उत्तराखंड में लगातार मौसम बदल रहा है, जिसके चलते पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बता दें कि चोटियों पर लगातार हो रही बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में भी लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण देहरादून समेत प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सोनिका ने बढ़ती हुई ठंड के प्रकोप को लेकर कहा कि सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं को ठंड से बचाव के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चिन्हित इलाकों में अलाव जलाकर और रेन बसेरों की मरम्मत कर बेघर को सहारा दिया जाए और प्रशासनिक स्तर पर इसका काम किया जाए। साथ ही यदि अन्य वैकल्पिक रेन बसेरे की जरूरत पड़े तो उन्हें भी जल्द तैयार किए जाए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। तो सभी नगर पालिका, नगर निगम जो हमारे यहाँ पे है देहरादून में, उन सबको इंस्ट्रक्शंस हैं कि अलाव जलाना चालू कर दें, और साथ ही साथ रैन बसेरों में जो व्यवस्था होती है, एक तो स्थायी रैन बसेरे और अगर वैकल्पिक बनाने हैं कहीं पे तो वो भी बना लिए जाएँ और सारी व्यवस्थाएँ ठीक ठाक कर ली जाएँ। और हमने ऑलरेडी एक दो बैठकें कर ली हैं और आगे भी हम लोग इसका रिव्यू करते रहेंगे।